बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ में मौजूद है ACP अविनाश शिंगटे साहब। आज डोंगरी पे कहीं जगहों पे एक कार्रवाई की गई है BMC के साथ में मिलकर। काफ़ी लोग जो है डोंगरी में जो रहवासी है रेसिडेंशियल, वो काफ़ी परेशान थे कहीं सालों से। तो आज जो एक मुहिम छेड़ी गई है डोंगरी पुलिस स्टेशन ने और एक BMC ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी कि लोगों के जो समस्या जो है उसका एक हल निकले, क्योंकि लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो गया था। और अगर कहीं जो बिल्डिंग में आग लगे या बिल्डिंग का कोई अगर हादसा हो तो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज जो है डोंगरी मार्केट जो है पूरी तरीके से खाली कराया गया है। आइए हम जानते हैं ACP साहब से कि आखिर में यह मुहिम क्यों छेड़ी गई और क्या हुआ। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज सर बहुत खुशी की बात है, काफ़ी लोग जो है बातें कर रहे हैं कि आज ये मुहिम को जो अंजाम दिया गया इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है, इस बारे में क्या जानकारी बताओगे? डोंगरी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में स्पेसिफिक डोंगरी मार्केट और चारनल एरिया में काफ़ी दुकान वाले शॉप वाले हैं उन्होंने और मोटरसाइकिल बाइक जो है उनके वजह से अंदर के रोड में जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। फोर व्हीलर गाड़ी जाना तो मुश्किल था ही, लेकिन कभी खुदा ना करे कभी आग लगने की केसेस हो जाता है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी अंदर जा नहीं सकती। काफ़ी लोगों का कंप्लेंट आता था जब हम लोगों ने, मैंने डोंगरी डिवीज़न का चार्ज लिया और डोंगरी पुलिस स्टेशन के शबाना मैडम ने भी सीनियर PA का चार्ज लिया। तो हम लोगों ने मोहल्ला कमेटी की मीटिंग रखी थी, वो मीटिंग में काफ़ी लोगों ने हमको ये साफ करने के लिए हमको बताया। तो हमने BMC से कॉन्टैक्ट किया और BMC ने आज इधर आके काफ़ी जो डोंगरी मार्केट है वहाँ के काफ़ी रोड की सफाई की है और ऐसा ही हम आगे कार्रवाई चालू रखेंगे। चारनल की ज्यूरिडिक्शन है दरगे के आजू बाजू में, वहाँ भी ये कार्रवाई चालू हो जाएगी और पूरा अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी एम्बुलेंस जाने के लिए लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसे हम साफ सफाई करेंगे। सर, एक हमारे ये सवाल है कि जैसा जो डोंगरी मार्केट की जो सफाई की गई है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल के बाद में फिर वो लोग जो है अपना बाहर धंधा लेके बढ़ जाए। स्पेसिफिक इसके लिए हमने हमारे वो जो बीट के बीट मार्शल और एक मोबाइल रहती है, तो लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये वापस लगे नहीं और हम लोग भी खुद उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। जैसे अगर वापस मिलेंगे तो उसके ऊपर हम मुंबई पुलिस एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और सर, ऐसे कहीं डोंगरी इलाकों में कहीं गलियों में देखा गया है कि डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग में बाइकें जो है खड़े रहती है, काफ़ी लेडीज़ लोग को भी आने जाने में दिक्कतें पैदा होती है, बच्चों को भी, और जो बुजुर्ग इंसान जो रहता है जो सीनियर सिटीजन हम कहते हैं उनको भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो गलियां जो है जैसा कहीं भी गलियों का नाम लो, निशान पड़ा रोड है, बावा गली है, बिस्ती मोहल्ला है, यहाँ पे कब अंजाम दिया जाएगा? ये एरिया में भी हम BMC के साथ साथ में हमने एक ट्रैफिक के साथ हम उधर मुहिम रखने वाले हैं। जो डबल पार्किंग रहता है ट्रिपल पार्किंग रहता है वो हम गाड़ी के ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं और उसके साथ साथ में जो शॉप वाले ने आगे बढ़ाया है उसके ऊपर भी हम कार्रवाई नेक्स्ट वीक में रखने आएंगे। सर, इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया था कि डोंगरी पे ऐसी कोई मुहिम छेड़ी गई है, आपके आने के बाद ही क्यों ऐसा मतलब मुहिम को अंजाम दिया गया? नहीं, इसके पहले भी शायद मुहिम किया गया होगा, लेकिन जब अब हम लोगों ने आया डोंगरी पुलिस स्टेशन में, शबाना मैडम ने भी चार्ज लिया सीनियर PA करके, जब हमने मोहल्ला कमेटी की मीटिंग रखी थी तो काफ़ी लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम हमको मीटिंग में महसूस हो गया, इसीलिए हमने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। और हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहोगे आप? सर, मैं डोंगरी में रहने वाले लोगों को मैं अपील करूँगा कि जो डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग में गाड़ी लगाते जो शॉप ओनर है उन्होंने जो बाहर अपना खुद का दुकान जो बढ़ाया है वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये सब निकाल दो ताकि अंदर कभी भी अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सके, एम्बुलेंस गाड़ी आ सके। बुजुर्ग आदमी है उनको कभी हॉस्पिटल में जाना है तो टैक्सी अंदर आती नहीं है, तो ये सब करने के लिए आप लोग हमसे कोऑपरेशन करें और जो कोऑपरेशन नहीं करेंगे उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, जैसा कि रेजिडेंशियल जितने भी लोग जो है उनका ये भी कहना है कि हम बिल्डिंग के नीचे बाइक नहीं लगाए तो कहाँ पे लगाए, और इसके ऊपर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो उसके लिए हम क्या करना, उनको मतलब क्या करना चाहिए उस वक्त?
नहीं, हमने उस दिन जब सीनियर पीआई मैडम हमारी वहाँ गई थी तो हमने कुछ जगह भी ऐसा दिखाया कि वहाँ वो पार्किंग कर सकते हैं। जहाँ तक अंदर जो मेन रोड के लग के जो अंदर गली जाती है वहाँ खाली हमने उनको मना ही किया है, लेकिन उसके जो पैरेलल जो अंदर छोटी गली है वहाँ पार्किंग करने में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुहिम सिर्फ डबल और ट्रिपल पार्किंग के लिए की गई है? सही है, खाली डबल और ट्रिपल पार्किंग के लिए, सिंगल पार्किंग के लिए हम उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। जैसा कि डोंगरी डिवीजन और जेजे डिवीजन के एसीपी अविनाश सिंटे साहब ने बताया कि डबल और ट्रिपल पार्किंग जो की जाती है, जो काफ़ी गलत तरीके से लोग जो है अपने बाइकों को लगा देते हैं, उस वजह से ही ये जो है मुहिम को अंजाम दिया गया है। आगे भी ऐसे मुहिम जो है चलते रहेंगे जब तक कि लोगों को समझ ना आ जाए। आइए अभी हमारे साथ में मौजूद है डोंगरी के सीनियर पीआई शबाना मैडम, जो कि आज एक मुहिम छेड़े गई थी उस बारे में उनसे कुछ जानकारियां लेंगे। मैडम, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो लोगों के लिए जो एक मुहिम छेड़े गई है, काफ़ी लोगों को जो है चलने में फिरने में काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही थी, जो कि लोगों के जो जितनी भी समस्याएं थे उसमें बहुत जल्दी जो है लोगों को राहत मिली, इस बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन में जब सीनियर इंस्पेक्टर का मैंने चार्ज लिया और जब पेट्रोलिंग के दरमियान देखा मैंने कि चलने में, मैंने खुद भी फुट पेट्रोलिंग किया, उस दरमियान देखा कि चलने में बहुत दिक्कतें आ रही है और जो बूढ़े लोग हैं ये टैक्सी के लिए वहाँ से मतलब घर से बिल्डिंग से जो चल के रोड तक आते फिर टैक्सी पकड़ते हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं जो उनको भी टैक्सी के लिए बाहर आना पड़ता है, जो स्कूल के लिए जो बच्चे, अभी स्कूल तो चालू नहीं लेकिन ट्यूशंस के लिए वगैरह जो बच्चे देख रही हूँ मैं, सब बच्चे लोग भी आके बाहर टैक्सी पकड़ दे, तो मैं चाहती हूँ कि डोर पे उनको ये सर्विस मिले। और जैसे कोई नेचुरल कुछ ये हो जाता है, हादसा हो जाता है तो उस टाइम में पुलिस मदद जल्दी पहुँचना चाहिए, वक्त पर पहुँचना चाहिए, फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँचना चाहिए, एम्बुलेंस पहुँचना चाहिए, और ये आपके हक है, आपके राइट्स है, ये आपको मिलना चाहिए, ये मेरी सोच है और उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। और डोंगरी के लोगों के सपोर्ट के बिना ये काम नहीं कर पाऊंगी मैं, अगर वो लोग का मुझे पॉजिटिवली सपोर्ट मिला तो मैं जरूर इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाऊंगी। मैडम, जैसे कि आज हर गली मोहल्ले में हर नुक्कड़ों पे डबल ट्रिपल पार्किंगों पे गाड़ियां खड़े रहती है, तो क्या उसका भी सफाया होगा? जरूर होगा, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं भी सबको बता रही हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें तकलीफ पहुंचाना ये कोई हमारा हेतु नहीं है, कोई मकसद नहीं है, आपको ये सर्विस मिलना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए जब चल रहे आप अपने फैमिली के साथ चल रहे तो आराम से चलना चाहिए, क्योंकि कोई गाड़ी आ रही है उसका आपको धक्का लग रहा है और उससे आपको अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो हमें भी नहीं अच्छे लगेंगे, आपको भी तकलीफ हो जाएंगी इसमें। तो हमारी ये सोच है कि सब लोग जो है फुटपाथ है जैसे वो चलने के लिए, उसका चलने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जो रोड है उस पर गाड़ियाँ चलना चाहिए और आपको आपकी फैसिलिटीज मिलना चाहिए। जैसा कि शबाना मैडम ने बताया कि लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जो कि आज जो हमने जो मुहिम छेड़ी थी उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि लोगों को समझ ना आ जाती है, जब तक कि ऐसे ही मुहिम को अंजाम दिया जाएगा। मैडम, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे प्रेस के साथ अमजद पठान।